सार्स कोविड 2 के नए संस्करण विश्व स्तर पर प्रसारित हो रहे हैं। शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि वे कोविड 19 संस्करण से अधिक तेजी से प्रसार करना का कारण बन सकते हैं। विश्व रूप में एक संस्करण जो मूल रूप से ब्रिटेन में उभरा है 50% से अधिक संचरित होने की सूचना है। वे वसंत ऋतु तक संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख संस्करण बनने की भविष्यवाणी की जाती है। इसके बाद से अन्य संस्करण दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में उभरे हैं। न्यूयॉर्क प्रेस ब्रिटेनियन विल कॉर्नल मेडिकल सेंटर में एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ और सहायक उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर मिलेरा सल्वाटोर बताते हैं, यह तथ्य है कि एक वायरस अपनी प्रकृति के दौरान त्रुटियां करता है, उत्परिवर्तन उत्पत्ति करता है, वास्तव में काफी सामान्य है। इन सभी उत्परिवर्तनों के परिणाम नहीं है। हालांकि यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वेरिएंट में एक ही सामान्य में काफी संख्या में नए म्यूटेशन पाए गए हैं। इनमें से कुछ उत्परिवर्तन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन जो विशेष रूप से वायरस के संक्रमण और टीके की प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इन नए रूप के साथ चिंता यह है कि वे पिछले वाले की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकते हैं। तो आइए आज हम कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में कुछ बातें जानें। प्रकार को लक्षित करने के लिए इसे जल्दी से समायोजित किया जा सकता है। क्या ये नए वेरिएंट युवाओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं? ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं। बुजुर्गों की तुलना में बच्चों में अभी भी कोरोना वायरस फैलने की संभावना कम है। कहा जा रहा है कि ये नए प्रकार सभी आयु समूहों के लिए लगभग 30-50% अधिक संक्रमण प्रतीत होता है। क्या ये संभावना है कि भविष्य में अन्य प्रकार विकसित होंगे? हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नए संस्करण सड़क के नीचे होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगला कदम एक बेहतर निगरानी प्रणाली विकसित करना है। इस देश और दुनिया भर में वायरस को आनुवंशिक रूप से अनुक्रमित करने में सक्षम होने के लिए ये कैसे विकसित होगा और ये बातें कि परिवर्तन वायरस और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। टीकों से उदाहरण के लिए इंग्लैंड किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक अनुक्रमण कर रहा है, इसलिए वे इस प्रकार की खोज करने में सक्षम थे। यूएस में इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य वायरस के लिए सामान्य निगरानी प्रणाली मौजूद है। ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बातें ये है कि कुछ वेरिएंट उत्पन्न हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं, जबकि अन्य वेरिएंट बने रह सकते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं। समय ही बताएगा क्या पीसीआर परीक्षण नए रूप का पता लगा सकता है कि नहीं। यदि आप एक पीसीआर परीक्षित करवाते हैं या कोविड 19 के लिए संक्रमण परीक्षण करते हैं तो आपको तब तक वेरिएंट का पता नहीं चलेगा जबकि ये आनुवंशिक अनुक्रमण से नहीं गुजरता। यही कारण है कि हमें व्यापक निगरानी की आवश्यकता है ताकि हम ये जान सके कि देश और दुनिया के किस भी क्षेत्र में कौन से प्रकार परिचालित हो रहे हैं। जिन लोगों को कोविड 19 हुआ है, क्या इन नए प्रकारों के साथ पुनः संक्रमण संभव है? यह स्पष्ट नहीं है कि इन नए रूप के साथ पुनः संक्रमण संभव है या नहीं। अधिक जानने के लिए हमें अपना शोध जारी रखना होगा। हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? हम जो करते हैं आ रहे हैं उससे जारी रखते हुए मास्क पहनना, सामाजिक रूप से दूरी बनाना, बार बार हाथ धोना, यात्रा से बचने और बीमारी होने पर खुद को अलग करना, या और भी महत्वपूर्ण है, यदि एक अधिक संचारित होने वाले वेरिएंट SARS-CoV-2 वायरस का प्रसार करने वाले प्रमुख बन जाते हैं। पहले मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात घबराना नहीं है बल्कि सतर्क रहकर सुरक्षित रहना जारी रखना है, और निश्चित रूप से जब आप कर सकते हैं तो टीका लगवाना, कोविड 19 वेरिएंट और अन्य पर अपडेट रहना जारी है। तो ये थे कुछ सवालों का जवाब जो नए वेरिएंट को लेके उठ रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम सब जानते हैं।